नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। आज पहले चरण की 20 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। रात 10 बजे ये बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है राजीव भवन में। रात 10 बजे से बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय नाम सीईसी को भेजे जाएंगे। दिल्ली में 13 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बता दें, आज भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। शाम को बैठक हुई और चुनाव समिति की बैठक हुई छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद जो है फिर से 10 बजे बैठक शुरू हुई है। बेहद ही खास दिग्गजों के साथ ये बैठक, और नामों पर जो है चर्चा मंथन लगातार जारी है। आज माना जा रहा है कि 20 नामों पर सहमति बन ही जाएगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी। तो जो नाम तय होंगे वो सीईसी को भेजे जाएंगे। बैठक होगी, बता दें 13 अक्टूबर को ये बैठक होने जा रही है। बेहद ही खास ये बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। उससे पहले जो है बैठकों का दौर राज्य में जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सभी जो है चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं और प्रमुखता से देख रहे हैं। साथ ही साथ कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल हैं, बैठक में शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। दिग्गजों का जमावड़ा लगातार वहां पर है और मंथन नामों पर जो है लगातार हो रहा है। 20 सीटों पर जो है आज नाम तय कर लिए जाएंगे और ये नाम भेजे जाएंगे। उसके बाद 13 तारीख को जो बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें ये नाम रखे जाएंगे और इसे फाइनल किया जाएगा। आज भी जो है बैठक हुई और बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, कुमारी शैलजा शामिल हुई, दिग्गज उसमें शामिल थे। तो राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जो है वो तो खत्म हो गई। इसके बाद करीब 10 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। और कांग्रेस का संकल्प शिविर स्थगित हुआ है। 12 अक्टूबर को होना था यह शिविर, बता दें बेमित्रा और साजा, नवागढ़, बीजापुर का यह शिविर होने जा रहा था। दंतेवाड़ा, नारायणपुर का शिविर स्थगित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से शिविर स्थगित किया गया। कांग्रेस का संकल्प शिविर होने जा रहा था और इसे स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको, ये 12 अक्टूबर को शिविर होना था। बेमित्रा, साजा, नवागढ़, बीजापुर में शिविर होना था। दंतेवाड़ा, नारायणपुर में भी वहां पर जो है अभी स्थगित कर दिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से। और बीजेपी प्रवक्ताओं की सूची जारी हो चुकी है। 21 प्रवक्ताओं की जारी हुई है सूची। चुनाव से पहले बीजेपी ने यह सूची जारी की है। श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, अशोक बजाज, लक्ष्मी वर्मा, हर्षिता पांडे, नवीन मार्कंडे, विकास मरकाम, श्वेता शर्मा, गौरीशंकर श्रीवास, संजय पांडे, सत्यम दुआ, ब्रजेश पांडे, अमरजीत छाबड़ा, उमेश घुड़मोड़े, राजीव चक्रवर्ती, के एस चौहान, सुशांत शुक्ला, प्रवीण साहू, भूपेंद्र नाग बनाए गए हैं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता। तो प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। कई सारे जो हैं बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो लगातार मुखरता से अपनी पार्टी की बात रखते हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं और प्रवक्ताओं की सूची जो है जारी कर दी गई है बीजेपी के द्वारा।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। लगातार अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक जो जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं, पुलिस शहरों में फ्लैग मार्च कर रही है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च प्रमुख सड़कों से होते हुए गुजरा, जिसमें पुलिस के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान का संदेश दिया। वहीं असामाजिक तत्वों को कोई गड़बड़ी नहीं फैलाने का भी संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के टिकट बंटवारे को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये अच्छा है कि सामने वाली टीम के खिलाड़ियों का पत्ता चल गया। हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, उम्मीद है इस बार भी जनता हमें आशीर्वाद देगी। बीजेपी ने करीबन 85 जगहों पे अपने प्रत्याशी क्योंकि नाम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस की सूची नहीं आई है, लेकिन जो दूसरी सूची आई है उसको लेकर क्या कहना है, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं। सर, सूची को लेकर क्या कहेंगे? कौन दो टीमें सामने खेलेंगी, ये टीम चयन के बाद स्थिति सामने आती है। तो हम लोगों को ये मौका मिला है कि सामने वाली टीम को पहले देखने का अवसर मिल गया है कि कौन कौन उतरेंगे मैदान में। अवसर बनाए रखा और कह सकते हैं आप लोगों ने जी, आप लोगों ने अवसर बनाए रखा। यहाँ बात स्पष्ट थी कि कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों के मन में एक संवेदनशील भावना थी कि पितृपक्ष में सूची नहीं आनी, तो मुख्य कारण वही था कि पितृपक्ष अभी भी लगा हुआ है। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है, मेरे ख्याल से 13 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, उसमें छत्तीसगढ़ के कम पहले जो 20 सीटें हैं पहले राउंड के, ये तो 100% आ जाने चाहिए। 13 हो 14 हो, तारीख मैं नहीं कह सकता क्योंकि समय भी कम है, उनकी 7 तारीख को वोटिंग है और साथ में और नाम भी आ सकते हैं, अगर स्क्रीनिंग कमेटी से नाम जाते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो अभी आप ये मान के चलते हैं कि जो दूसरी सूची देखने के बाद भी, क्योंकि ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग हैं वो खुशी जता रहे हैं कि उनको लगता है कि एक तरह से वॉकओवर ही मिल गया है, तो क्या आप ये मान के चलते हैं? वॉकओवर तो कभी नहीं मानना चाहिए, उपस्थिति रहती है, दोनों पार्टियों की अच्छी उपस्थिति है राज्य में। सरकार ने इस बार काम काफी अच्छा किया है मेरे नजर में, और वो कांग्रेस के पक्ष में वजनी पड़ेगा। दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों में लोग हैं अच्छे खेलने वाले हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन, ये वाली पिच मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस के पक्ष वाली। हालांकि उन्होंने भी 43 करीबन जो है वो नए चेहरों को मौका दिया है, तो क्या आपके सामने भी एक चुनौती बनती है नए चेहरों को मौका देने की? क्योंकि आपके दिक्कत तो होती है, हमेशा दिक्कत होती है, जो साथी हैं उनमें से नया पुराना करना एक कठिन निर्णय होता है, इसमें दो बात नहीं है। फिर भी प्रयास है कि निष्पक्ष, यथासंभव जितना निष्पक्ष आदमी हो सकता है, निष्पक्ष होके जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के आधार पे जो बेस्ट चांस जिनका है उनको देना, चाहे वो नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, जिनके जीतने की सबसे अच्छी संभावना होगी। सर, ये कहा जा रहा है 50 सीटों पे सिंगल नाम होंगे। सिंगल नाम तो 90 पे होंगे। लेकिन अभी तो ये एकदम तय हो गया एक तरफा की 50 पे। आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानना चाहिए अब तो एडवांस स्टेज हो गया चयन की प्रक्रिया का, और प्रदेश इलेक्शन कमेटी तो एक सीढ़ी है, उसके ऊपर स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी से जब नाम जाएंगे तब संख्या पता चलेगी। तो ये है केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, और उनका कहना है कि बीजेपी ने जो सूची जारी की है उस सूची के मुताबिक कांग्रेस के लिए जो पिच है वो आसान है। हालांकि चुनाव है, उनका कहना है इतना चुनाव को लेकर कभी भी कोई बात, हमेशा चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सूची देखने के बाद ये तो है कि हमें लगता है कि चीजें आसान है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से कौन लड़ेगा ये भी देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ वंशवाद का आरोप लगाती है, लेकिन विपक्षी पार्टी में भी नाते रिश्तेदारों को टिकट दिया गया। टिकट वितरण में सिर्फ रमन सिंह की चली है, ना उनके लिए एज क्राइटेरिया है, ना ही परिवारवाद का है,
रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल की सीट में लड़ रहे हैं, ठीक है। बलिराम कश्यप के लड़के को यहाँ दिया गया है, और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे को मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है, फिर सुनीति राठिया साहब उसको भी मिला क्या, वो भी परिवारवाद से तो कम से कम आधा दर्जन से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि साहब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह का, रमन सिंह की चल रहा है, दूसरे किसी के नहीं चल रहा है। उधर सीएम बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तुरंत पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा, भूपेश बघेल कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कल तक कहते थे रमन सिंह को कोई पूछना नहीं, कोई पूछता नहीं, आज कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में रमन सिंह की चली है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है, बगावत के डर से टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। डॉक्टर रमन को कुछ सुन देख पहचानता ही नहीं दिल्ली में, आज कैसे भूपेश का स्वर बदल, उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख लोग रहते हैं, उनके अनुशंसा पे होता है। डॉक्टर रमन एक सामान्य सदस्य की हैसियत से शामिल होता है। रमन सिंह ने बीजेपी की दूसरी सूची पर कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों को मौका दिया है, कार्यकर्ता जोश और उत्साह से लबरेज हैं, 90 में से 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, बाकी 5 सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्टी ने युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों को टिकट दिया, जीत हमारी होगी। 90 में से 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह है। काफ़ी 42-45 से ज़्यादा युवा चेहरे हैं, 13 महिलाओं को दिया गया है और सभी समाज को व्यापक प्रतिनिधि देने का काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि सीट के वितरण की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई, 2-4-5 बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी निपट जाएगी। इधर सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिया। उन्होंने कहा कि क्या श्रद्धालु अब पूजा पाठ भी ना करें। मतलब भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है और गंगा जल जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने सुझ रहा, उसमें 18% दिया। सीएम भूपेश बघेल ने जैसे ही गंगा जल पर जीएसटी लगाने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ को गंगा जल लेकर पिछले चुनाव में किया गया वादा याद आ गया, बस फर्क क्या था। अरुण साफ ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर जनता के सामने जनता से वादा किया था, अब वो वादा सीएम भूपेश बघेल को याद नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये 2018 में गंगा जल हाथ में लिए थे और वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, तो भूपेश बघेल जी तो पहले इसका बता दें। और दूसरा, ये लगातार सनातन धर्म के खिलाफ इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये काम करते रहे हैं। भुवनेश्वर साहू के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और हिंदू समाज के लोगों को झूठे मामले में फंसाने का बात स्पष्ट रूप से आई है। न्यायालय ने 8 लोगों को बरी किया ये कहते हुए कि बिना आधार के पुलिस ने उन्हें फंसाया है, और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने सनातन के खिलाफ कितना अभद्रता किया। विद कांग्रेस नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कार्तिकेय ने ट्वीट में लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा, गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं, मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितना नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं, ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? हालांकि अब इस ट्वीट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया।
सीएम शिवराज के श्रद्धांजलि पोस्ट पर कांग्रेस ने सफाई दी। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगाए। कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके की पोस्ट नहीं हुई। कांग्रेस का विरोध शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं। कार्तिकेय चौहान जी, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो, हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। बीजेपी ने कवर्धा के साजा से ईश्वर साहू को अपना प्रत्याशी बनाया। ये वही ईश्वर साहू हैं जिनके बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या की गूंज छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में अभी तक सुनाई देती है। ईश्वर साहू अब घूम घूम कर जनता का समर्थन मांग रहे हैं, पार्टी आला कमान का धन्यवाद दे रहे हैं और जीत की उम्मीद जता रहे हैं। ईश्वर साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह से उनकी रणनीति होगी चुनाव के लेकर? साहू जी, आपने अपना बेटा खोया है, भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, किस रूप में आप देखते हैं? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का उन जो शीर्ष नेता है, यानी कि हमारे जो हाई कमांड है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो इस गरीब को जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्य चुना, मेरे को सदस्य समझा, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप एक सामान्य प्रत्याशी के रूप में सामने हैं और एक बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस का है, उसे किस रूप में देखते हैं आप, कैसे लड़ पाएंगे? वो तो महल और झोपड़ी की लड़ाई है, हल और महल की लड़ाई है। वो हम भारतीय जनता पार्टी वो नहीं दिखते, हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र का जितना भी जनता है, जनता हमारे साथ है, जनता का हमको आशीर्वाद है, जनता का हम पूरा भरोसा है, हम अब जनता हमारे साथ है, हम जनता को बहुत बहुत आभारी है। तो आप जो मुद्दे की अगर हम बात करें, किस तरह से वो क्षेत्र में क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, लोग कितने परेशान हैं, कितने खुश हैं, क्या लगता है? नहीं, मुद्दा तो बहुत है हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है उससे, बहुत परेशान है उससे। और हमारी जो मेरी जो और आगे की है मुद्दा जो है, अभी हमारे भाजपा का हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। जैसे घोषणा पत्र जारी होगा, और हमको तो उम्मीद है और हमको मालूम भी है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस से दो कदम आगे रहेगा। उसकी 19 रहेंगे तो हमारे 20 रहेगा, उसकी 20 रहेंगे तो हमारी 21 रहेगा। उस हिसाब से हमारे क्षेत्र के में तो बहुत से भ्रष्टाचार है, लव जिहाद है, बहुत से ऐसे मुद्दा है जो है हमारे, उस मुद्दे को हम अभी तो नहीं कह सकते। हमारी जैसी ही हमारी घोषणा पत्र का आएगा, उस हिसाब से हम अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आप नए चेहरे हैं, पार्टी ने बहुत जगह नए चेहरे को मौका दिया है, आप भी नए हैं, तो संगठन का और ये लोगों का साथ आपको मिल पा रहा है? हाँ पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है हमारे क्षेत्र का, गाँव का, हम इस टाइम हमारे क्षेत्र पूरे हमारे प्रदेश का, हमने जनता का पूरे साथ मिल रहा है। तो ये थे ईश्वर साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय मुद्दे हैं जिन पे किस तरह से काम नहीं है, उसे लेकर लोगों में नाराजगी है और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और उनको पूरा विश्वास है कि जनता उन पर भरोसा करते हुए उनको जीत दिलाएगी। बस्तर
जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 781 मतदान केंद्रों पर 6,15,000 मतदाता मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। इन इलाकों में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चांदामेटा और कलेपाल में पहली बार मतदान होगा। प्रशासन ने चित्रकूट विधानसभा को संवेदनशील विधानसभा घोषित किया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स को जल्द तैनात किया जाएगा। वर्ष के आयु वर्ग में 24,275 मतदाता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की आज मुंबई में सारदी गेस्ट हाउस में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख और ओलंपिक कमेटी की मेंबर नीता अंबानी भी शामिल हुई। बैठक में ओलंपिक की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बैठक हुई सारदी गेस्ट हाउस में। ये बेहद ही खास मीटिंग हुई। रिलायंस फाउंडेशन प्रमुख नीता अंबानी बैठक में शामिल हुई और तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम भी शामिल हुए। और इसी के साथ ही खबर दिनभर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।